हाय फ्रेंड्स, आई जस्ट एक्सप्लेन हाउ टू मेक अ सेल्फ रजिस्ट्रेशन लिंक। मैं यहाँ पे एक आपको सैम्पल दिखा रही हूँ और ऑलरेडी आपके पास अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन लिंक बना हुआ रहना चाहिए एंड वो उसके बाद देखिए आपके लिए अपने टीम मेंबर्स का बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो ये एक बहुत आसान तरीका है, इसके थ्रू जस्ट यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ क्या करना है आपको। अब ये जैसे मेरे पास सैम्पल है, अब यहाँ पे इसको पहले हमें इस लिंक जो है इसको हमको कॉपी करना है। कॉपी करके यहाँ पे फिर हम इसको पेस्ट कर देते हैं और अब देखिए अब हमें जो नंबर्स यहाँ पे है आपको इसको जस्ट नंबर्स को हमें डिलीट कर देना है। धीरे धीरे करके आप इस नंबर्स को बार से हटा दें, जस्ट नंबर्स हटाना है। अब यहाँ पे नया नंबर जिसका आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन लिंक बनानी है वो नंबर आप डाल दीजिए यहाँ पे। वो नंबर हमें डालना है, रखिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 570012 और फिर आप इसको सेंड कर दीजिए। अभी आपका सेल्फ रजिस्ट्रेशन लिंक बन गया। लेकिन आप जो अपने टीम मेंबर्स को भेजने से पहले, बिकॉज दे आर न्यू, उनको सारा सिस्टम नहीं मालूम है, पहले आप एक बार चेक कर लीजिए। चेक करके देखिए स्पॉन्सर नंबर, स्पॉन्सर नेम उनका आया कि नहीं। इसमें ये स्पॉन्सर नंबर हम किसका डालेंगे, जिनका आप बना रहे हैं सेल्फ रजिस्ट्रेशन लिंक। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं खोल के कि स्पॉन्सर नेम एंड नंबर्स यहाँ पे दिखा रहा है कि नहीं। राइट, अब देखिए यहाँ पे ये देखिए अदर डिटेल्स में स्पॉन्सर नंबर में देखिए 570012 स्पॉन्सर नेम दिनेश्वर झा दिखा रहा है। दैट मीन्स दिस इज़ राइट। और अब हम इसको सेंड करेंगे अपने टीम मेम्बर्स को। आप इसको तो इस तरह से एक सेल्फ रजिस्ट्रेशन लिंक आप बना सकते हैं। और जब अपने टीम मेंबर किसी को डिजिटली आपको रिक्रूट करना है तो आप जस्ट उनको सेल्फ रजिस्ट्रेशन लिंक भेज दीजिए। इट लुक्स बेटर एंड प्रोफेशनल। अगर कोई नहीं करना चाहता अपने आप, देन फिर आप उनसे आधार और इनका ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर लीजिए और फिर आप उनको रिक्रूट कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।